हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी सिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके बेटा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि चार्ज को आप किसी भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो, वो भी किस वे में? कंटिन्यूअस वे में। ओके बेटा, इसको जरा समझते हैं। ये एक डेफिनेशन आपको दिख रही है बेटा स्क्रीन में। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज दैट दिस इज द बॉडी और इस बॉडी में अगर जो भी चार्ज है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज सपोज करें तो पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव चार्ज सपोज करें तो नेगेटिव। तो अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चा पार्टी, ये पॉजिटिव चार्ज अगर क्लोजली स्पेस्ड है, इसका मीनिंग है कि बहुत पास पास है एक दूसरे के, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं सीमित है बेटा, यहीं तक नहीं वैलिड है, आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं बेटा ये हमारा कोई भी एक क्या है, बॉडी है और इस बॉडी में हम चार्ज प्लेस करा रहे हैं। कैसे प्लेस करा रहे हैं? इधर देखो बेटा, पहले 1 कूलम, आफ्टर दैट 2 कूलम, फिर 3 कूलम, फिर 4 कूलम, फिर 5 कूलम, हम इस बॉडी में चार्ज प्लेस कराते जा रहे हैं। ठीक है, अब यू आर सीइंग दैट कि 1 कूलम एंड 2 कूलम के बीच में एक गैप है। वो गैप कितने का है बेटा? 1 का गैप है। 2 एंड 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 एंड 4 के बीच में 1 का गैप है, एंड 4 एंड 5 के बीच में भी कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो यू आर सीइंग दैट कि हम चार्ज तो इस बॉडी में प्लेस करा पा रहे हैं, लेकिन वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, बिकॉज यहां पर गैप आ जा रहे हैं। यानी कि पहले आप 1 कूलम प्लेस कराओगे, फिर इसके बाद फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, यानी कि एक एक करके, यानी कि पहले 1 कूलम, फिर दूसरा वाला 1 कूलम, फिर तीसरा वाला 1 कूलम, फिर चौथा वाला 1 कूलम, इस तरीके से आप प्लेस करा पा रहे हो, तो वो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बात यह आती है कि सर फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज क्या है? तो यहीं पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम इस बॉडी में बेटा, इस बॉडी में अगर हम 1 कूलम चार्ज प्लेस कराएं फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट 1.1 कूलम, 1.2 कूलम, 1.3 कूलम, 1.4 कूलम, इस तरीके से अगर हम चार्ज को प्लेस करा रहे हैं बिना गैप किए कंटिन्यूअस वे में, अगर हम चार्ज को प्लेस करा पा रहे हैं किसी भी बॉडी में, तो वो हमारा होता है बेटा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इतना देखो बेटा जरा। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या है? अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, जब आप चार्ज किसी भी बॉडी में प्लेस करा रहे हैं तो यहां पर बेटा लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन यानी q इज इक्वल टू एनी तो फॉलो हो रहा है। बट जैसे ही आप 1 कूलम के बाद 1.1 कूलम चार्ज प्लेस करा पा रहे हैं इस बॉडी में, तो वहां पर लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं हो पा रहा है। और आप कहोगे कि सर चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एनी के फॉर्म में। The charge on a body is equal to the integral multiple of elementary charge. And elementary charge, this is the value of charge. किसकी value है बेटा? तो electron के charge की value है। ठीक है? आगे की बात। तो यहाँ पर जो law of quantization है, वो follow नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे कहेंगे कि अगर हम किसी भी body में law of quantization को ना follow करते हुए अगर हम charge place करा रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? तो वो हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं यहां पर फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन? तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की डील करते हैं किसी भी बॉडी के साथ में, या किसी भी बॉडी को हम बहुत एक बिग अमाउंट में अगर हम चार्ज को प्लेस कराते हैं, तो वहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो करना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन
अनकाउंटेबल हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन अनकाउंटेबल हो जाएगा, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता होंगे, तो क्या आप उस बॉडी में चार्ज को पता कर पाएंगे? डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो। That's why the quantization is not valid when you are placing the charge in continuous way. Are you clear, बेटा? तो इतना बात क्लियर कर लीजिए, आगे की बात समझते हैं। बात यह है कि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है बॉडी के शेप पर। आप जिस तरीके की शेप पर आप चार्ज को प्लेस करा देंगे वो उसी टाइप का क्या हो जाएगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? समझते हैं बेटा। बिकॉज वी नो दैट किस दुनिया में जो हम स्टडी करते हैं डेली लाइफ में, वो थ्री डायमेंशन तक स्टडी करते हैं, 1D, 2D एंड कौन सी डी? 3D। अगर हम वन डायमेंशनल बॉडी में अगर हम चार्ज को प्लेस करा रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर हम टू डायमेंशनल बॉडी में अगर हम चार्ज को प्लेस करा पा रहे हैं बेटा, तो वो हमारा होगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर हम थ्री डायमेंशनल बॉडी में अगर हम चार्ज को प्लेस करा पा रहे हैं मुन्ना, तो वो हमारा कौन सा चार्ज, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब वन बाय वन करके हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की स्टडी करेंगे। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशन में से अगर हम वन डायमेंशन बॉडी में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं इन द कंटिन्यूअस वे, तो वो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज दैट दिस इज द लाइन, अगर हम इस लाइन में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं कंटिन्यूअस वे में, तो वो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशन में से अगर हम टू डायमेंशन बॉडी में, ठीक है, टू डायमेंशन बॉडी में बोले तो बचा बॉडी लाइक अ सीट। अगर हम सीट में अगर हम चार्ज को प्लेस करा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम थ्री डायमेंशन में से थ्री डायमेंशन का यूज कर लें और वो थ्री डायमेंशन बॉडी बचा पाड़ी कौन सी होगी? लाइक अ क्यूब। ओके, अगर हम क्यूब में अगर हम चार्ज को क्या करा रहे हैं? प्लेस करा रहे हैं बेटा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं इन दिस पे, तो वो चार्ज का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उसको बोलेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब बात समझते हैं जरा। सपोज बेटा, सपोज ये आपका एक 1 meter लेंथ का एक कंडक्टिंग वायर है, और इस 1 meter लेंथ के कंडक्टिंग वायर में हमने चार्ज प्लेस करा रखा है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये बेटा हमारा एक अनदर 1 meter का कंडक्टिंग वायर है, ये भी आपका 1 meter का है, ठीक है। और इस पर जो हमने चार्ज प्लेस करा रखा है पॉजिटिव, वो आया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद आफ्टर दैट एक हमारा अनदर 1 meter का कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, 1 meter का कंडक्टिंग वायर, और इसमें हमने जो चार्ज प्लेस करा रखा है पॉजिटिव नेचर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने 7 प्लेस करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किस वायर पे ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ये बात रिमेंबर रखिएगा, इस 1 meter में 7 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी बेटा? ज्यादा। चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। और इसकी चार्ज डेंसिटी कम, और इसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। बिकॉज यहां पर कहानी क्या है, हम कैसे डिसाइड करें इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? बिकॉज यहां पर 1 meter कंडक्टिंग वायर में कितना चार्ज प्लेस है? 7 पॉजिटिव चार्ज, और इस 1 meter में कितना? 6 पॉजिटिव चार्ज, और इस 1 meter में कितना बेटा? 5 पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा कि अगर 1 meter लेंथ ऑफ वायर में जितना ज्यादा चार्ज प्लेस होगा या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर हम बात करें ये आपका कोई भी क्या है, ये आपका कोई भी एक सीट है, ठीक है,
और इस सीट में बेटा, इस सीट का जो एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है 1 और विड्थ भी कितनी है 1। और इस पर जो हम चार्ज प्लेस करा रहे हैं, इस पर 4 चार्ज है। और ये जो एनादर सीट है इसका भी एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और इस पर जो हम चार्ज प्लेस करा रहे हैं वो आपका कितना है, 5। और एक आपका और सीट है, इसका भी एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और इस पर जो चार्ज प्लेस करा रहे हैं बेटा उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट है 33628। तो यू आर सीइंग दैट कि इस 1 मीटर स्क्वायर सीट में कितना चार्ज प्लेस है, 8 पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कितना बेटा, 5, और इसमें कितना, 4। तो जितने, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इस 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में या सीट में कितना पॉजिटिव चार्ज प्लेस है बेटा, तो आपका प्लेस है 8 पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, फिर इसकी कम, और इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम। इसी तरीके से आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज में कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा चार्ज डेंसिटी की, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी की। ये कौन सी बला का नाम है बेटा, चार्ज डेंसिटी, कहोगे सर ये क्या है। अभी तक आपने पढ़ा हुआ है बेटा कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। मास डेंसिटी क्या होती है सर, तो इधर देखो बेटा जरा, अब हम इनको डिफाइन करेंगे किससे, डेंसिटी से डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक आप डेंसिटी पढ़े हैं बेटा, उस डेंसिटी को आप क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन क्या बेटा, वॉल्यूम। और वो डेंसिटी आपकी मास डेंसिटी होती है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, बिकॉज आपने यही पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर दें बेटा चार्ज डेंसिटी की, कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ओके बेटा। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम इसको डेंसिटी से डिफाइन करेंगे, ठीक है, कैसे, इधर आ बेटा, वॉल्यूम, वी नो दैट बच्चा पार्टी की जो आपकी वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। एंड मरकरी बोले तो एचजी की डेंसिटी कितनी है बेटा, तो एचजी की डेंसिटी होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। सपोज बेटा ये आपका कोई भी एक क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का जो लेंथ है, लेंथ आपका 1 मीटर है, इसका ब्रेड्थ आपका भी कितना है, 1 मीटर, और हाइट भी कितना है, 1 मीटर, ओके, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डेफिनेटली कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर क्यूब। और इस 1 मीटर क्यूब में अगर हम 1000 किलोग्राम मास को बच्चा पार्टी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं या प्लेस करा रहे हैं, तो वो डिफाइन करेगा किसकी डेंसिटी को, वाटर की डेंसिटी। यानी 1 मीटर क्यूब में कितना वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगा, तो 1000 किलोग्राम। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका कितना मरकरी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो है 13600 kg, ठीक है। तो यू आर सीइंग दैट कि 1 मीटर क्यूब में जितना केजी मास एग्जिस्ट करेगा वो उसकी कौन सी डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, ओके बेटा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटी क्या है, तो इन द सेम वे 1 मीटर क्यूब में जितना कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो उसकी कौन सी डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब जो चार्ज डेंसिटी के टाइप है बेटा, चार्ज डेंसिटी हैव अ 3 टाइप्स, कौन कौन से टाइप है, डेंसिटी फर्स्ट है आपका लीनियर डेंसिटी, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द बच्चा पार्टी सरफेस डेंसिटी, एंड नेक्स्ट वन इज द व्हाट बच्चा पार्टी, वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी के बच्चा पार्टी, चार्ज डेंसिटी के, ठीक है, कितने टाइप है, 3 टाइप। आई होप आपको इतना बात क्लियर है।
लीनियर डेंसिटी क्या है? लीनियर डेंसिटी को समझते हैं बेटा जरा। सपोज ये आपका कोई भी क्या है बेटा, लाइन, ठीक है। इस लाइन में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो हमारी कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर डेंसिटी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर आप किसी भी एक लाइन में चार्ज को प्लेस करा रहे हैं तो वो कौन सी डेंसिटी है बेटा? लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, ओके। या इसी को बोलते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज व्हाट बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन लेंथ, ओके। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अगर आप किसी भी सीट में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं बेटा, सीट में या टू डायमेंशनल बॉडी में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी डेंसिटी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसको डिफाइन करें बेटा तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सी डेंसिटी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो अगर आप चार्ज को किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी लाइक क्यूब में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं तो वो आपकी कौन सी डेंसिटी हो जाएगी बेटा? कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके बेटा। तो इसको बोलते हैं इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है उसकी कौन सी डेंसिटी है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट एरिया में जो उसकी जितना चार्ज प्लेस है कौन सी डेंसिटी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी कौन सी डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो, रो इज इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके बेटा। आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा चार्ज की यूनिट कूलॉम, लेंथ की यूनिट मीटर, चार्ज की यूनिट कूलॉम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलॉम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट, दिस इज द यूनिट्स, ओके। बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन, डायमेंशन कूलॉम, चार्ज की डायमेंशन क्या होता है बेटा? 80। चार्ज का डायमेंशन होता है 80 अपॉन मीटर, यानी लेंथ का डायमेंशन L। तो इसकी आपकी हो जाएगी बेटा 80L-1। कूलॉम्ब का क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज, चार्ज की डायमेंशन 80। एरिया का कितना हो जाएगा? L2। तो वी कैन राइट बेटा 80L-2। इसके बाद चार्ज, चार्ज की डायमेंशन 80 अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन L3, देन वी कैन राइट बेटा 80L-3। तो ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको इतना बात क्लियर है, ओके बेटा। तो दैट इज ऑल अबाउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात आती है कि एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं साथ में। एग्जाम्पल, तो चार्ज ऑन वायर, अगर वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी,
या अगर चार्ज आपका बेटा रिंग में डिस्ट्रीब्यूट है तो वो भी आपकी कौन सी डेंसिटी होगी, वो भी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, तो इसके कौन से एग्जांपल है, अगर आपका चार्ज सीट पर डिस्ट्रीब्यूट है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, सीट पर, चार्ज ऑन सीट, ओके, या चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर पर अगर चार्ज है, ये बात क्लियर है कि नहीं। बात करते हैं बेटा वॉल्यूम डेंसिटी के एग्जांपल्स की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के एग्जांपल्स की। तो इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं बेटा वो कौन कौन से, अगर आपका चार्ज किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है तो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, चार्ज, चार्ज ऑन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आई होप आपको इतना बात क्लियर है बेटा। दैट इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बच्चा पार्टी, इसको क्लियर कर लीजिए।